फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स फिजिक्स और कंप्यूटर और जीके का क्वेश्चन अपलोड कर चुका है सीजी प्रयोगशाला पर, अब ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये आप लोग को मिलेगा बायोलॉजी के ऊपर, है ना। यूट्यूब पर एक दो वीडियो बायोलॉजी पर भी डल चुका है, बट उसमें से भी मैंने जब चेक किया तो 4 से 5 क्वेश्चंस उन्होंने रॉन्ग किया है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके हर एक क्वेश्चन को ध्यान से किया है और ये 100% संभावित आंसर यही होगा, है ना। तो चलिए पहला एक हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किए ताकि उन्हें भी सही आंसर मिले और उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज थिन वॉल्ड, निम्न से कौन सा पादप ऊतक पतली होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मृदु ऊतक, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन बिगिंस विद प्लांट्स, निम्न से कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ डार्विन। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए, डार्विन के सिद्धांत में कौन सा संदर्भ नहीं, मोर इंडिविजुअल्स पर इंडिविजुअल पर जनरेशन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, प्रति पीढ़ी ज़्यादा जीव, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वाला, सेल्स आर मोस्टली स्मॉल, मिनिमाइजेज द रेशियो ऑफ सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम। तो इसका सही उत्तर ए होना चाहिए, क्योंकि सही ए सही है, गलत है बी, क्योंकि ना ये इसका सही रीज़न नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जहर इज कॉज्ड बाय, तो इसका तो सही उत्तर हो जाता बी, लिशमानिया डोनोवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हीमोग्लोबिन कंटेंट्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट माउंट, तो इसका ग्लिसरीन हो जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथाइन साइकिल इज यूरिया हो जाता दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज एड्रिनल हो जाता है, शरीर के इमरजेंसी ग्रंथि एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही रॉन्ग आंसर दिए थे यूट्यूब में, व्हेन हार्ट बीट डिक्रीजेस द कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग सुधार लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो इसका राइस फील्ड इकोसिस्टम। हेपेरिन इज कॉज्ड बाय बोन मैरो दिया गया है उस वीडियो में, जबकि होना चाहिए सही उत्तर लीवर सेल, ध्यान से देखिएगा, हेपेरिन उत्पन्न किया जाता है यकृत कोशिकाओं द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है, सॉरी फॉर द लेट रिस्पॉन्स ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे। तो यहाँ तक देखे थे राइस फील्ड, हेपेरिन इज कॉल्ड बाय लिवर सेल्स होता है इसका सही उत्तर। अब देखेंगे ओपेंसिया शोज एडप्टेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैबिटेट, तो इसका ड्राई लैंड हैबिटेट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज यूज इन लैब फॉर 10 to 5 times मैग्नीफाइंग, तो दोस्तों इसका माइक्रोस्कोप दिया गया है यूट्यूब में, जबकि सही उत्तर होगा जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो दोस्तों मैंने खुद 9वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ाया कि ये बहुत मिलियन टाइम्स तक, मतलब इसको मैग्नीफाई कर सकता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए मिलियन टाइम्स तक ना, तो 10 से 15 times तक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामेबा हिस्टोलिका फॉर ह्यूमन इज ट्रोफोसाइट सिस्ट, इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ह्यूमन ब्लड टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इज मेंटेन बाय हाइपोथैलेमस दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैन गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड इन, इसका राइट लोब दे दिए हैं जबकि सही उत्तर होना चाहिए, यूट्यूब पर राइट लोब अपलोड कर दिया गया जबकि सही उत्तर होना चाहिए लेफ्ट लोब ऑफ लीवर दोस्तों, इस पर मैंने काफ़ी खोज की है, है ना। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ, है ना, इसमें दोस्तों रॉड्स एंड कोन्स दोनों दे दिए, जबकि पूरा सर्च नहीं किया था मैंने, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिलाया था और मेडिकल जब पेपर हुआ था तब मेरे को पता चला था कि कलर ब्लाइंडनेस कोन्स की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों, कोन के डिफेक्ट की वजह से। 99 क्वेश्चन का, कि मोटी भित्ती वाली कर के लिए निम्न से किस रंग, तो उपरोक्त सभी हो जाता है इसमें, सेफ्रेनिन लाइट ग्रीन एसेटोकर्मिन ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें सभी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ फिश, तो इसका भी सही उत्तर ऑल ऑफ द अबव हो जाता है, इंसिनरेशन
है ना, इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, बायोलॉजिकल रिप्रोसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके बताएंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। फर्स्ट ये वीडियो जो एकदम एक्यूरेट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट बचा है इंग्लिश हिंदी है ना उस पर मैं अपलोड करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर पाएंगे सभी आंसर क्वेश्चन और सही एकदम सटीक। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।